हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडीज़। तो आज आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि NIFT 2022 में इसका एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है। एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ कर दिया गया है NIFT का। तो एप्लीकेशन फॉर्म आपको कहाँ से जाकर के फिलअप करनी होती है, क्या प्रोसेस होता है, किस तरीके से कैसा क्या प्रोसेस होता है, क्या सारी चीज़ें लगती हैं, जैसे कि आप क्या क्या करना पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट्स है। ठीक है, तो सारी चीज़ें मैं बताने वाला इस वीडियो में। मेक श्योर कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि एक स्पेशल चैनल बनाया गया है। ठीक है ना, अभी आपको क्या कर रहे हैं, आप अपने ब्राउज़र में google.com ओपन करेंगे और वहाँ पे आपको टाइप कर देंगे NIFT 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जहाँ पर आपको NIFT के रिलेटेड सारे के सारे अपडेट और नोटिफिकेशंस मिलेंगे सबसे पहले। तो ये वाले लिंक पे एग्जैक्टली क्लिक कर देंगे, एप्लीकेशन फॉर्म आपकी रिलीज़ हो चुकी है, आप देख सकते हैं। 3 दिसंबर 2021 को की गई है। स्क्रोल डाउन करना, एप्लीकेशन फॉर्म रिलीज़ हो चुकी है, आप खुद ही देख सकते हैं। अब यहाँ पर आपको बता दिया गया है, क्लिक हियर पे क्लिक करके चेक करना है। तो जब आप क्लिक हियर पे क्लिक कर देते हैं, ओके, तो सबसे पहले ये फॉर्म फिलअप कर देना जो आप सामने फॉर्म देख रहे हैं। यहाँ पे अपना फुल नेम बताने होंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, स्टेट, सिटी, इंटरेस्टेड कोर्स, हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, और फिर आपको गेट फ्री काउंसलर पे क्लिक कर देने होंगे। इससे ये होता है कि आपके जो कॉन्टैक्ट नंबर दिया उसके थ्रू आपके फ्री ऑफ कॉस्ट SMS मिलते रहेंगे। ठीक है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने के लिए, यहाँ पर क्लिक हियर पे क्लिक कर देना। आप यहाँ पर देख सकते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना। जब यहाँ पर आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देते हैं, ओके, तो आप यहाँ पर क्या देखेंगे, आपको ये रजिस्ट्रेशन दिख जाते हैं। यहाँ से सारी चीज़ें फ़िलअप करनी होती है, इसमें सारा डिटेल्स। ओके, तो यहाँ पर नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम क्या है वो बताने, आपके डेट ऑफ बर्थ का डे, मंथ, यहाँ पर आपको बताने होते हैं, ईयर, यहाँ पर आप जेंडर बता देनी होती है आपकी, फादर नेम, मदर नेम। यहाँ पर ये चीज़ें यूज़ नहीं करनी है, प्लीज़ डोंट ऐड एनी सल्यूटेशंस लाइक मिस्टर, डॉक्टर एक्सेट्रा बिफोर द नेम। नाम टाइप करने के पहले आपको मिस्टर, मिसेस ये सब टाइप नहीं करना। ओके, सैल्यूटेशन वर्ड, ओके, एंड मदर, एंड आपका ईमेल आईडी चाहिए, फिर क्रिएट योर पासवर्ड, कंफर्म, ओके, क्रिएट, आपको क्रिएट करना पड़ेगा आपका पासवर्ड एक नया। ठीक है, फिर उसे दोबारा से कंफर्म करना है, एंड देन आपको मोबाइल नंबर आपका क्या है वो मोबाइल नंबर यहाँ पर टाइप करना है, वही मोबाइल नंबर से रजिस्टर रहेगा। तो फिर आप यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर जो रजिस्टर करना चाहते हैं वही मोबाइल नंबर देना है आपको। कैप्चा में यहाँ पर जो एग्जैक्टली लिखी हुई है वही आपको कर देने, चेंज में करना चाहता हूँ चेंज कर सकता हूँ यहाँ पर। ओके, तो जो भी आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है आप यहाँ पर टाइप कर सकते हैं, बट सही सही करना। जैसे कि यहाँ पर ईजी मेरे लिए, तो A है, LUAR। अब यहाँ पे मुझे साइनिंग पे क्लिक कर देना है। ठीक है, तो क्लिक कर देते हैं, ये आ जाता है। आप देख सकते हैं जैसे मैंने क्लिक किया तो ईमेल आईडी मेरा सब कुछ यहाँ पर मतलब आ चुका है। मैं इसे कंफर्म पे क्लिक कर दूँगा, चेंज नहीं करना चाहता हूँ। जब मैं कंफर्म पे क्लिक कर दूँगा, ये रजिस्ट्रेशन नोट, ओके, हो चुका है मेरा। मेरे फ़ोन पर OTP आ चुका है, ईमेल एंड फ़ोन पर OTP आ तो चुका है। डियर कैंडिडेट्स, यू रजिस्टर्ड हैज़ बीन सक्सेसफुली कम्प्लीट एंड वेरिफिकेशन कोड इज़, ओके, मेरा वेरिफिकेशन कोड इज़, पर यहाँ पर कहीं टाइप तो नहीं करना है, बैक टू होम पे क्लिक कर देता हूँ। ओके, अभी आपको क्या करना है, मुझे मेरा ईमेल आईडी ओपन करना होगा। मुझे अभी यहाँ पे आपको एक्टिवेट योर अकाउंट पे क्लिक करना होगा। यूज़र नेम आपका क्या है, यूज़र नेम यहाँ पे टाइप कर देना होगा, और एक्टिवेशन कोड जो आपके फ़ोन पे आया है वही फ़ोन पे जो एग्जैक्टली OTP आपके फ़ोन में आया वही वाला OTP आपको यहाँ पे टाइप करना, फिर सबमिट पे क्लिक कर देना। तो ये देख सकते हैं मेरा आ चुका है, मेरा सक्सेसफुली एक्टिव हो चुका है, एक्टिवेटेड हो चुका है, एक्टिवेटेड लिखा है यहाँ पे। यू कैन नाउ लॉग इन विथ योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड। सो लॉग इन पे मैं क्लिक कर दूंगा, साइनिंग पे जाता हूँ, मेरा ईमेल आईडी क्या है, ईमेल आईडी पे ओपन हो जाऊँगा, एंड यहाँ पे पासवर्ड मेरा क्या, पासवर्ड यहाँ पे मैं टाइप कर लूँगा और सबमिट पर क्लिक कर दूँगा।
यहाँ पे मेरा लॉगिन हो चुका है, आप देख सकते हैं। तो अभी माय एप्लीकेशन पे क्लिक करना है, यहाँ से कोर्स टाइप जो भी आपका यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है, अलग अलग कोर्सेज यहाँ पे आपको अवेलेबल है। फिर यहाँ पे आप कोर्स नेम, बैचलर्स डिग्री, डिज़ाइन जो भी आप बता सकते हैं, प्रोसेस पे क्लिक कर सकते हैं। अब यहाँ पे एलिजिबल कैसे रहेंगे, आप पहले तो आपको पढ़ना होगा, नहीं तो आप आगे कुछ कर नहीं सकते, इम्पॉसिबल। पहले तो आपको पढ़ लेना होगा कि एज क्वालिफ़िकेशन क्या है आपकी, मतलब यहाँ पे एलिजिबिलिटी बोली गई, एलिजिबिलिटी डिटेल है कि यहाँ पर जब जो भी अप्लाई करेंगे वो उनको एलिजिबल ये है कि जो जो यहाँ पर बताया गया वो सब में, मतलब परफेक्ट वो सब होना चाहिए आप में। जैसे क्वालिफ़िकेशन एज तो 24 ईयर का एज होना चाहिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये कैटेगरी जो भी है, 5 ईयर का ईयर का छूट आपको मिलेगा जो ये कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जो शेड्यूल कास्ट ट्राइब पर्सन डिसेबिलिटी कैंडिडेट जो हैं उन लोग को 5 ईयर का छूट मिलेगा। बाकी एकेडमिक डिटेल्स में यहाँ पर 10th कम्प्लीट हुई रहनी चाहिए एंड ओके पास 3 और 4 ईयर डिप्लोमा, मतलब एंड में है ओके। ये भी रहेगा तो भी चलेगा, ये भी है तो भी चलेगा, सेकेंडरी स्कूल या फिर 10th भी यहाँ पर चलेगा। फिर यहाँ पे और यहाँ पर है पास सीनियर ओके। तो ये सारे आपको यहाँ पर हुआ रहना चाहिए, तब यहाँ पे आई हैव रीड ऑल द सक्सेस कंफर्मेशन एंड द फर्स्ट वाला मेरा कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे हम लोग आएंगे अपलोड एंड सिग्नेचर पे क्लिक करना होगा। पहला तो मेरा हो चुका है नहीं, अभी पहला मतलब करना है मुझे। पहले मैं यहाँ पर कैटेगरी कौन सी है कैटेगरी बता दूंगा। नेक्स्ट यहाँ पे नेशनलिटी क्या है मेरी, यहाँ पे मुझे बताना होगा कौन से स्टेट का मेरा डोमिसाइल सर्टिफिकेट है तो वो बताना होगा। यहाँ पे फिज़िकली चैलेंज आप हैं या नहीं है, डू यू हैव अ यूनिक डिसेबिलिटी नहीं, अगर कुछ ऐसा इशू है तो आप बता सकते हैं। यहाँ पर अल्टरनेट कोई भी एक ईमेल आईडी दे देनी है। पेरेंट्स के यहाँ पर चाहिए ऑक्यूपेशन की क्या करते हैं ऑक्यूपेशन, तो ऑक्यूपेशन जो भी करते हैं उनका बता देना होगा। यहाँ पे एनुअली इनकम कितनी उनकी वो बता देनी होगी, जितनी भी रहेगी। आप यहाँ पर बताएंगे डू यू बिलोंग टू एनी देर इज 8 स्टेट नो, और मतलब कौन कौन से, अगर आप इन किसी स्टेट में से बिलोंग करते हो तो येस पे क्लिक करेंगे, अगर नहीं करते तो नो पे क्लिक करेंगे। लिस्ट ऑफ द 8 स्टेट, अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। क्या आप इन 8 के स्टेट में, मतलब इनमें से किसी न किसी एक स्टेट में से आप मतलब रहते हैं क्या, इनमें से किसी एक स्टेट में रह रहे हैं क्या अभी, हाँ या ना? तो मैं तो नहीं इसमें से किसी एक स्टेट में भी नहीं रहता हूँ, तो मैं नो पे क्लिक किया। अगर रहते हैं तो यस पे क्लिक कर देना ओके ओके। तो ठीक है, डोमेसाइल स्टेटस फॉर कश्मीरी माइग्रेंट नो, मैं नहीं हूँ। यू हैव कम्प्लीट 2 ईयर्स ऑफ रेगुलर UG डिप्लोमा ग्रेजुएट नो, 12th स्टैंडर्ड कम्प्लीट किया ना आपने, यू हैव कम्प्लीटेड 3 ईयर फॉर डिप्लोमा। और यहाँ पर आपको बताने होते हैं सेलेक्ट योर डिप्लोमा कोर्स और सेलेक्ट योर इन्फॉर्मेशन। सो डिप्लोमा कोर्स में यहाँ पर जो भी वो सेलेक्ट करना होगा, आपका यहाँ पे परमानेंटली एक एड्रेस चाहिए, परमानेंटली एड्रेस चाहिए यहाँ पे, लैंडमार्क, सिटी, टाउन, एड्रेस में तो यहाँ पर यही सब देना होता है आपको, डिस्ट्रिक्ट, पिन कोड वगैरह ओके। करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, यहाँ पर एड्रेस आपको सेम पे क्लिक कर देनी है, जो भी यहाँ पर एड्रेस आपने लिखा रहेगा वो एग्जैक्टली यहाँ पर कॉपी हो जाएगा, ताकि आपको दोबारा फॉर्म फिलअप ना करना पड़े। अगर दूसरा एड्रेस है दूसरा एड्रेस आपको दे देना है, ठीक है ना, क्योंकि कभी भी बाई मिस्टेक के लिए एमरजेंसी हो गई तो इसके लिए, तो यहाँ पर दे देना। और यहाँ पे 7 प्रोसेस पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आप फ़ोटो सिग्नेचर फॉर बैचलर्स ऑफ फैशन टेक्नोलॉजीज़ के लिए, तो आपका फ़ोटो चाहिए, आपका सिग्नेचर चाहिए। यहाँ पे फाइल चूज पे क्लिक करके फाइल यहाँ पे फ़ोटो अपलोड करना होगा, सिग्नेचर। तो आप जब नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं 7x, तो इस पेज पर आ जाएंगे। फ़ोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस, तो प्रेफरेंस फर्स्ट, प्रेफरेंस सेकंड, प्रेफरेंस थर्ड ओके ओके ओके। यहाँ पे आपको मतलब एग्ज़ाम सेंटर प्रेफरेंस है, फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी है हो सकती है। 7 प्रोसेस करना होगा, मेरा हो चुका है, मेरा सब कुछ मेरा एप्लीकेशन फॉर्म ऐसा दिखता है। और यहाँ पे आए कंफर्म, अबो कंफर्म, फिर से मुझे यहाँ पे कंफर्म प्रोसीड पेमेंट पे क्लिक करना होगा। और यहाँ पे मेरे को ऑनलाइन पेमेंट पे सेलेक्ट करना होगा, और यहाँ पे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग जो भी यहाँ पे सेलेक्ट करके रेफरेंस प्रीवियस पेमेंट यहाँ पे आप क्लिक करके कर सकते हैं। प्रोसीड टू पेमेंट पे यहाँ पर क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब क्लिक हियर पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे नाउ पे क्लिक करो, आपको कितना चार्जेस कटेंगे यहाँ पे, टोटल 3010
पे नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ से आपको पे करना होगा, जो भी आपका बैंक रहेगा अपना बैंक सेलेक्ट करके सारी चीज़ें पेमेंट कर देने होंगे। किसी भी चीज़ में कुछ भी डाउट होता है आप जो है डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पेज का लिंक मैंने प्रोवाइड कर रखी है, इस पेज पर आकर के आपको सारी चीज़ें करनी होगी। जैसे फॉर एग्जांपल जो पेमेंट प्रोसेस है वो कंप्लीट करनी होगी, देन आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म के प्रिंट आउट हैं वो निकाल लेने और ऑफलाइन ले आपको ले करके मतलब ले लेने, मतलब उसे फ्यूचर रेफरेंस के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस है। ओके तो फिर किसी भी चीज़ में अगर डाउट है आप फिर से बताता हूँ, किसी भी चीज़ में डाउट है आप डेफिनेटली कमेंट कर सकते हैं। तो अभी यही सारी प्रोसेस थे, अगर किसी भी चीज़ में डाउट है कमेंट कर सकते हैं। आप कैंसिल बटन पर क्लिक करके क्या कर सकते हैं, कैंसिल बटन पर क्लिक करके कैंसिल कर सकते हैं। यहाँ पे ओके पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी आप ऑनलाइन सेलेक्ट करके नेट बैंकिंग ऑनलाइन ओके मेक श्योर अनदर पेमेंट का प्रोसेस SBI डेबिट कार्ड से 61 लगेगा क्रेडिट कार्ड से ओके। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, यही सारे प्रोसेस थे, थैंक यू।